हेलो सर, नमस्ते। जतिन जी, कैसे हो आप? हाय राहुल, हाउ आर यू? Hi, I'm good, yeah. How are you? आई एम गुड, आई एम ऑडिबल, माय वॉइस इज कमिंग प्रॉपरली? Yeah, you're pretty good. I can hear you. You या know what? I'll turn सर, it up a कैसे little. अपना समय निकाल के हमारे साथ ये इंस्टा लाइव कर रहे हो? थैंक यू सो मच जतिन जी, थैंक यू Thank सो you, my मच pleasure. राहुल फॉर ज्वाइनिंग My pleasure. अस। Thank you, yeah. बिग वेलकम फ्रॉम एंटायर बॉलीवुड लाइफ फैमिली। इससे पहले कि आप लोग आए थे, मैंने बस उनसे थोड़ा सा मैंने बताया था सबको कि जतिन जी आ रहे हैं उनके बेटे के साथ, एंड लाइव फीड लिट अप। एवरीबॉडी इज आस्किंग क्या हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, इतने सालों के बाद आज भी इतना प्यार मिलता है आपको। सो व्हाट इज योर म्यूजिक इज फैबुलस, व्हाट यू हैव टू से टू योर फैंस, इतना प्यार आपको आज भी मिलता है? देखिए, ऐसा होता है कि अच्छा काम और साधारण काम में फर्क ये होता है कि साधारण काम वाले को सक्सेस कभी कभार मिल जाती है और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जब वो उसका करियर खत्म होता है तो उसके काम को लोग याद नहीं करते। हम लोगों ने जो भी काम किया वो बहुत बहुत प्योर फॉर्म ऑफ का प्योर क्वालिटी का काम किया हमने। वो काम में एक लॉन्जिविटी थी, वो काम का लाइफ स्पैन बहुत लंबा था और वो काम में एक बुनियादी जिंदगी थी, इसीलिए लोग वो गाने को याद करते हैं, क्योंकि सब गाने इतने पैशन से फील करके, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से बनाए हैं, इसलिए लोग याद करते हैं। और यही हमारा लक्ष्य है कि लोगों को हमारा म्यूजिक पसंद आता है। और तो जितने भी लोग हमसे आज जुड़े हैं, मैं उनको कह दूं कि जतिन जी और राहुल को मैं थोड़ा पर्सनल भी जानता हूँ, और ये लोग इतने अच्छे लोग हैं कि लगता नहीं कि ये इतने महान कलाकार हैं, ये स्टार्स हैं, ये सेलिब्रिटीज हैं, ये इतने वार्मली सबसे मिलते हैं। और आज ये क्वालिटीज हम राहुल में भी हमें देखने मिलता है ये क्वालिटीज। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि आपका बेटा तो उनके अंदर संगीत का टैलेंट है, काफी है। मैं खुद सुन चुका हूँ, उनका गाना ऑलरेडी आ चुका है, आंखों के इशारे, विच इज अ बिग हिट। उनका नेक्स्ट गाना आने वाला है, लेकिन ऐसा व्हाट डिड यू सी इन हिम व्हाइल ग्रोइंग अप कि आपको लगा था कि हाँ, ये भी एक अच्छे संगीतकार बन सकते, एक अच्छे सिंगर बन अबाउट सकते? अबाउट राहुल, यस राइट। यस देखिए क्या होता है ना कि ये काम में जो गुण जो है ना वो बचपन से नजर आने लगते हैं। राहुल का क्या है कि राहुल बहुत फोकस्ड आदमी है, मुझे इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे तुम जाओ अभी क्या म्यूजिक का काम करो, सुबह से बैठे हो कुछ किया नहीं, ऐसा बोलना नहीं पड़ता। बल्कि इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीवी देख रहा हूं, मुझे काम करना चाहिए। वो एक बहुत अच्छी चीज है। और ये जो जर्नी है अपनी कामयाबी कोशिश से लेके कामयाबी तक, ये जर्नी जो है ये जिंदगी भर आदमी को याद रहती है कि मैं यार ऐसे बैठता था, मैं दिन भर बैठ के गाना बनाता था, पहले मैं कंपोज करता था, फिर उसको प्रोग्रामिंग करता था, फिर मैं लिखता था, फिर उसको गाता था, फिर शूट करता था। ये जो प्रोसेस है ये इसका सारी जिंदगी इसको बोलने को होगा कि मैं ऐसे करता था, मैं 14 14 घंटा काम करता था, मैं 12 12 घंटा काम करता था। तो वो जो काम है, एक 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 वक्त ऐसा होता है जिंदगी से कि हमको जिंदगी से लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जो सीखा है वो दुनिया को देना पड़ता है। अभी इसका जो वक्त है वो सीखने का है, लेने का है। तो ये बहुत बहुत ईमानदारी से और ऑनेस्टी से ले रहा है, एंड ही हैज माई ब्लेसिंग्स। फैंटास्टिक राहुल। चलिए अभी आपसे पूछते हैं कि लॉकडाउन के समय आई एम श्योर एक म्यूजिकल आर्टिस्ट के लिए अभी आपको, हम सबको घर पे बैठे बैठे सब कुछ करना पड़ रहा है, लॉकडाउन के समय आप क्या कर रहे हो एज एन आर्टिस्ट? नेक्स्ट, हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम, व्हाट आर यू डूइंग? ऑनेस्टली यार, मेरे लिए इतना कोई, मैं यूजुअली घर पे ही रहता हूँ ज्यादा समय, घर से ही काम करता हूँ। हमारा स्टूडियो यहीं पे है और मेरा जिम वगैरह सब बिल्डिंग में ही है, तो मेरे लिए इतना कोई फर्क नहीं है। हाँ, हमारी घर पे जो काम करते थे वो अभी है नहीं, तो मैं थोड़ा मम्मी को और हेल्प करता हूँ, थोड़ा खाना वगैरह बनाना भी सीख रहा हूँ। पर उसके अलावा बस यार, हम कवर्स वगैरह बनाते हैं, जो भी नए गाने बनते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, गाते हैं, तो इतना कोई मेरे लिए मेजर चेंज है नहीं। हाँ, थोड़े फ्रेंड्स वगैरह से कम मिल रहे हैं इन दिनों, पर उसके अलावा कुछ ऐसे मेजर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी कुछ बहुत लाइफ बदली है।
covers का आपने अभी जिक्र किया, तो आपका cover I think I have heard it and I heard you sing it in person. It's fantastic. तेरी गलिया जो आपने गाया था. Yes. And it was fantastic. So I'm sure. What made you choose that song? Okay, first tell us that. And also we would like to hear a little bit of it from you before we move on to your own songs. Sure. To be honest with you, I just sing that song well, or I think I'm fairly confident I sing that song very well. So I said, chalo, I'm doing a cover, is gaane ka karte hain. And aur abhi ek sab tera ka kiya hai, wo gaana mereko bahut acha lagta hai. To phir, it's honestly, there's not some very deep thought about why I pick any song. It's either I like it very much or I feel like I sound good when I sing it. So bas, same with both the songs. These are the reasons. So, and we would like to hear a little bit of it from you. Yeah, because, for sure. Yeah. Yes. Ha, teri galiya, galiya, teri galiya. Mujhko bhaave, galiya, teri galiya. Teri galiya, galiya, teri galiya. यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां. ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ ट्रू आर्टिस्ट. दे डोंट नीड अ स्टूडियो, दे डोंट नीड, बट उनको बोला गाओ और तुरंत ऐसा लगेगा कि भाई म्यूजिक शुरू हो गया, मेलोडी शुरू हो गया. दिस इज व्हाट यू कॉल समबडी सर. यस सर, आपने आपकी आपका जो पहला एल्बम था फॉर योर फर्स्ट फिल्म यारा दिलदारा, दैट वाज इटसेल्फ अ ह्यूज हिट. ओके, एंड उसके बाद लेजेंडरी जो जीता वही सिकंदर, कभी हाँ कभी ना, टीडीएलजे, खिलाड़ी, एक के बाद एक, देयर वाज नो स्टॉपिंग यू एंड ललित जी. बट वेरी फर्स्ट जो आप एल्बम बना रहे थे, एक तो ये इतनी बड़ी हिट हो गई, ये आप लोग को कभी लगा था? और दूसरी चीज है, जब उस टाइम जस्ट आप लोग करियर की शुरुआत कर रहे थे, तो क्या नर्वसनेस था, क्या आप लोग स्ट्रगल्स में फेस किया था, व्हाट वर द बिगिनिंग स्टेप्स लाइक? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब काम कोई कर रहे हैं आप और वो काम में आपको मजा आ रहा है, हालांकि आप पूरी रात को नींद नहीं मिल रही इस काम की वजह से, टाइम से आप खाना भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो टोटैलिटी में वो काम में आपको मजा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ हम सॉलिड चीज कर रहे हैं, तो वो चीज का असर 100% होता है. ये यारा दिलदारा के एल्बम में आप बताइए, समझिए कि हम लोग सुबह 5-5 बजे तक काम करते थे, सुबह सनराइज हो जाता था काम करते करते. तो और क्योंकि वो काम में एक तो क्या है कि बहुत करेक्ट लोग जुड़ गए थे, मजनू सुल्तानपुरी साहब जुड़ गए थे और अच्छे अरेंजर थे, अंग्रेज लोग इन्वॉल्व थे इसकी प्रोग्रामिंग में, तो वो सारी चीज का जो ऑरा था वो हमको ऐसा लग रहा था कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कर रहे हैं. ये मंडेन रूटीन काम, गाना बनाया और रिकॉर्ड किया, ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ ताजगी है. हाँ, इतना जरूर था कि ये चलेगा, लेकिन इतना चल जाएगा ये नहीं मालूम. राहुल, पापा की बात कहे तो उनके सबसे 5 फेवरेट सॉन्ग्स आपको कौन से लगते हैं? ऑनेस्टली यार, बिन तेरे सनम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेहंदी लगा के रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हो गया है तुझको जो हो गया है तुझको भी प्यार सजना, डीडीएलजे के सारे ही गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. ऑनेस्टली मैं भी अभी थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ, आई डोंट नो यार, मैं सच बोलूं, मैं बचपन में इतना नहीं सुनता था पापा के गाने. अब भी मैं जैसे मैं अभी प्रैक्टिस भी करता हूँ ना गाने की, तब मैं पापा के ही गानों पे करता हूँ, क्योंकि मुझे जेन्युइनली अभी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं पहले के मुकाबले. पता नहीं है, शायद थोड़ी पीछे बात लगी, लेकिन एकदम ही सच है मेरे लिए. तो मैं अभी, मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, और मुझे खुद भी, क्योंकि मैं खुद भी अभी थोड़े बनाता हूँ, तो मुझे समझ आता है कि कितना आप लोग ने हार्डवर्क किया होगा वो टाइम पे, क्योंकि एक गाना ही अच्छा बनाने में इतनी कभी कभी सोचना कि कैसे जोड़ें, क्रॉस लाइन कैसे जोड़ें, क्या म्यूजिक डालें, इतना उसमें थॉट लगता है. अभी एक के बाद एक सभी अच्छे बनाना तो बहुत
बहुत ही बड़ी बात है, तो गुड जॉब। अगर देखिए जतिन जी अगर हमारे साथ कनेक्ट किया है, जतिन जी मौजूद है, और जतिन जी अगर गाना नहीं गाएंगे तो हमारे फैंस बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। बट हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको आप लोग प्रॉब्लम ना हो, जतिन जी आप और राहुल दोनों अगर मिलकर आपका एक जो गाना अगर आप लोग गाना चाहते हो आपके रेपर्टोर में, दैट विल बी एन आइकॉनिक मोमेंट, फादर एंड सन सिंगिंग टुगेदर। आपका ही कोई गाना काश के हम होश में अब आने ना पाए, काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। बिग राउंड अप्लॉज। शाहरुख खान साहब अभी सुनते थे तो तुरंत कभी हाँ कभी ना पार्ट टू बनाते। आई एम टेलिंग यू व्हाट अ लवली थिंग। राहुल, योर फर्स्ट सॉन्ग वाज आंखों के इशारे एंड इट वाज अ नाइस पेपी नंबर एंड ऑल, what was the making process of it and what was the best feedback you have got from the song? Take us through that journey. I'll be honest with you, back then I wanted to make a song that sounds cool, and wo jo Shaliput ka gana hai attention wo mere ko acha lagta tha, to usi ke jaise uska aisa tha hook, you just want attention, you don't want my heart, na 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 na, us to aankhon ke ishare ka humne aise kar diya tha, uska hook aisa tha, na 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 na, attention ka aisa tha, na 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 na, aankhon ke ishare ka humne aise kar diya tha, na 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 na, main kyun piyu sharabe jana tu hi bata, आंखों के इशारे समझता हूँ मैं सारे, ये मुझसे कह रहे हैं मैं कर लूं गलतियां, तो बस वो फिर गाना हमने सुनाया था जी में, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने बोला इसका वीडियो बनाते हैं, और फिर हमने कर दिया था। पर एक्चुअली ये हमने कर रहा है, हाँ एक्चुअली पापा का इसका बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, हमने कंपोज भी खुद किया, हाँ। ये इतना क्या बोलते हैं इसका प्रोडक्शन भी खुद ही करके आया था ये, और मुझे सुनाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ। मुझे बोला यार इसने ये इसका अपना एक स्टाइल है और उसने उसमें वो बिलीव करके ये करके आया, और हाँ। वही गाना माने वो बिल्कुल ऐसा टिपिकल पॉप इंडियन पॉप टाइप का गाना था नहीं किसी भी तरह से। अच्छा, आपके लिए ये कितना मुश्किल था कि आप इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, कंसिडरिंग कि आप इंडस्ट्री के लेजेंड हो और आप अपने बेटे के पहले गाने में इन्वॉल्व ना हो, ये आपके लिए कितना मुश्किल था? नहीं देखिए, मुझे उस टाइम पे इसका किस दिशा पे इसका माइंड चल रहा है मुझे वो बात की भी क्लियरिटी नहीं थी, ये गाता भी था कंपोज भी, मुझे भी नहीं थी। तो मैंने उसमें कुछ ज्यादा मुझे समझ में तो आया ना कि नहीं इसका जो फोकस है ये एक इस सर्कल पे है, तो वो गाने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये होलसम आदमी है, यू कैन ऑल्सो डांस वेरी वेल and he can sing very well, he can compose very well, khali lyrics mein ye mujhse consult karta hai to main uska lyrics likh deta hu, aur lyrics mein main aisa hai ki mera experience bahut hai lyrics mein, main majnu sultan puri, anand bakshi sahab, indivar ji, javed akhtar sahab aur sare legendary writers ke sath maine bahut sari filmein ki hain, to wo log kis tarah se kaam karte the aur wo kis tarah se kaam ko pirote the, to wo sari cheeze mere dimag mein hai,
तो जैसे बोलते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, वैसे ही मेरे को लिरिक्स का उनसे ही सीखा है मैंने और मैं कर लेता हूँ। बाकी कंपोज वगैरह में मैं अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यार इतना पोर्शन चेंज करना है, इसने रिसेंटली एक बहुत अच्छा गाना बनाया तो मैंने उसको बोला कि बेटा बीच की लाइन या तो चेंज कर लो या वो बीच की निकाल के डायरेक्ट हुक से ज्वाइन कर दो, वैसा भी कर सकते हैं, तो इज वर्किंग ऑन इट। अब मैंने इसको बोला है कि बेटा मैं जो आने वाला गाना है वो नहीं नहीं ये तो मैंने नहीं बनाया है, स्टॉक का गाना है, इसको रेडी करके फिर देन ही विल वर्क ऑन इट टू शूट। ओके सर, आपने इतने दिग्गज कलाकारों का नाम लिया, मजरू सुल्तानपुरी साहब, जावेद अख्तर साहब, इतने बड़े बड़े कलाकार, आज अगर देखेंगे हम तो रिमिक्स के जमाने में म्यूजिक तो सिर्फ रिहाश हो रहा है और लिरिक्स तो नए लिखते ही नहीं, क्योंकि अगर वही गाना रिमिक्स कर रहे तो उन्हीं गानों के बोल को वो लोग ये ले रहे और उसमें थोड़े से अलग अलग साउंड मिला रहे। तो जब आपने इतना मेहनत करके ये सब आप लोग गाने बनाते थे, ये रीसेंट चीज क्या है जो लोगों को भी इतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे एज अ म्यूजिशियन, ये रिमिक्स का दौर ये इतना क्यों चल रहा है? ये देखो ऐसा है ना कि जैसे पिकासो की कोई पेंटिंग है, अब वो पेंटिंग को कोई नया लड़का ले जाए और ब्रश से उसमें दो चार और कलर डाल दे तो वो पेंटिंग की जो वैल्यू है वो गिरेगी या बढ़ेगी? गिरेगी, गिरेगी ना। तो रिमिक्स वैसा ही है, आप एक चीज जो लोगों ने एक्सेप्ट की, बरसों उसको एंजॉय किया, अब आप उसमें रैप भी डाल रहे हो, उसका रिदम बदल रहे हो, उसके जामा बदल रहे हो और फिर उसको चला रहे हो, बेसिकली आप कर क्या रहे हो कि जो चली चीज है उसी का सहारा लेके कुछ अपना डाल रहे हो। आइडिया ये है कि तो ये चला हुआ है, इसमें मेरा भी ऐड होगा तो थोड़ा और नया लगेगा, चलेगा। देखिए नया पुराना ज्यादा बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छा बुरा। अगर पुरानी चीज बुरी है तो वो बुरी है, वो कल भी बुरी थी आज भी बुरी है, आज भी करेक्ट। और पुरानी चीज अगर अच्छी थी कल तो वो आज भी अच्छी है। ऐसा नहीं होता कि पुरानी चीज बुरी हो जाती है, पुराने तो हमारे माता पिता भी हैं, तो वो क्या बुरे हो गए? ऐसा तो है ही नहीं। खाली ये है कि लोगों में अब मुझे ऐसा लगता है ना कि उतना पेशेंस और उतना ठहराव नहीं है कि अच्छा गाना कंपोज करें बैठ के। हम लोग तो यार 8-8, 9-9 घंटे, तुम बिलीव करो बाहों के दरमियान मैंने जब गाना कंपोज किया था, देखिए मेरा भाई है छोटा, उसके साथ ही मिलके किया, उसका भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वो गाना मैंने उसकी बुनियाद बनाई थी। तो वो गाना जब मैं कंपोज कर रहा था तो मेरी वाइफ आनंद मिलिन का शो देखने चली गई थी और मुझे वो बात थोड़ी हल्की सी बुरी लगी कि यार मैं भी कंपोजर हूँ, दूसरे कंपोजर के मेरे, हालांकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग बात करते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि उनके पास भी काम बहुत था, हम भी बहुत काम कर रहे थे, देख अंडरकरंट कंपटीशन तो रहता ही है, और कंपटीशन भी हमारा नहीं था क्योंकि उनका म्यूजिक अलग था हमारा म्यूजिक अलग था। तो मैं गुस्से में मैं ये गाना बना रहा था और जब तक मेरी वाइफ आई नहीं मैं कंपोज करता ही रहा। तो उस दौरान आप तो समझिए जब बैठा था तब 1-2 घंटे, फिर 3 घंटे का शूट देख के आई, फिर ट्रैवलिंग किया आ रहा है घंटा, तो 6 घंटे तक मैं हारमोनियम में बिना पानी पिए बिना उठे कंपोज ही करता रहा और तब जाके उसका मुखड़ा बना था। और उसमें मैंने कई बार अपना ही काम रिजेक्ट करता गया कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी क्रॉस लाइन वापस बनाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, इस तरह से पैशन से काम करते थे हम लोग। अब कई बार ऐसा भी होता था कि आरडी बर्मन का कोई गाना सामने आ गया, इतना अच्छा लगा, बोला यार इसको कुछ इंस्पायर होकर बनाना है। और आप देखिए इंस्पिरेशन और कॉपी में बहुत फर्क होता है, इंस्पिरेशन वो चीज होती है जो आपका सोर्स पकड़ा ना जाए और कॉपी ये होती है कि यार इसका रेप्लिका बना दिया वो कॉपी। हाँ इंस्पिरेशन, जैसे एक गाना था रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, ये गाना था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था गाना, मैं स्टेज पे भी बहुत गाता था। तो ये गाना मेरे दिमाग में छपा हुआ था, तब जब मुझे पिक्चर मिली हम लोगों को ये कभियां कभी ना, तो कुंदन जी ने बोला यार कुछ ऐसा गाना दो मुझे कि लंबा चले, तो फिर ये गाना मैंने तो दिमाग था इसको मैंने फिर तोड़ के, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला,
सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा। आपको मैं अगर बताता नहीं तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। अगर आप दोनों साथ में भी सुनेंगे तो नहीं पता चलेगा। ये इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन देखिए, एक ही चिराग से दूसरा चिराग जलता है। वो आपकी अपनी कैपेसिटी में है कि आप उससे एक अगरबत्ती जलाएं या पूरा महल जगमा लें। तो हम लोगों में भगवान की दया से कैपेसिटी है कि हम एक चीज को सुन के उसी के लेवल का हिट बना सकते हैं, और वो ईश्वर की दया है। हमारा उसमें खाली मेहनत है, बाकी देने वाले तो सब भगवान ही। सर थैंक यू। जब भी आपसे मिलता हूँ इतनी नई नई चीजें सीखने को मिलता है मुझको। थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के। माय प्लेजर, माय प्लेजर। आई लाइक यू, यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन यार, यू हैव सच अ नाइस सेंस, आई ऑलवेज लाइक। सर इन दिनों में जो भी आए उनमें से कोई भी रिमिक्स आपको अच्छा लगा, एक का कुछ कुछ भी? देखिए ऐसा है ना, पहला नशा पहला कुमार के कुछ रिमिक्स बहुत अच्छे बने हैं। मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली तो नाम नहीं मालूम किसका है, मेरे ख्याल से तनिष बागची का। हाँ तनिष बागची, वो उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी नजर आती है, जो भी अक्यूमुलेट करके उसमें डालता है निकालता है उसमें एक सेंसिबिलिटी। वो मुझे ऐसा लगता है ना, वो पुरानी चीज को बिखेरता नहीं, उसकी शक्ल रख के उसमें एडिशनल कुछ करता है, तो वो अच्छी बात है। राहुल अगर आपको मौका मिले अपने करियर में सर का कोई गाना गाने के लिए, ठीक है, आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे एज अ प्रॉपर, इसलिए नहीं सिर्फ मनोरंजन के लिए, इन अ फिल्म कौन सा गाना रहेगा? मैं मेहंदी लगा के रखना, पता नहीं, मैं मुझे वो गाने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि अगर आई डोंट नो वो गाना बहुत अच्छा है, और कभी अगर हुआ तो मैं कर भी दूंगा, और फिर मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि उसमें डांस करने में भी बहुत मजा आता है, बहुत मजा है, तो मुझे डेफिनेटली वो वाला गाना वो करने में बहुत अच्छा लगेगा। गाइस अगर आप लोग को पता ना हो, राहुल इज एन अकम्प्लिश्ड जिमनास्ट एंड अ वेरी वेरी गुड डांसर। हाँ तो ये जो है आपको एक कंप्लीट पैकेज मान सकते हैं, आप सिंगर भी हो, आप कंपोज भी करते हो, आप जिम्नास्टिक्स भी करते हो, आप डांस भी करते हो, एक जो माइकल जैक्सन करते थे, ठीक है, एंड लाइव स्टेज शोज पे आपका जवाब नहीं है, स्टेज शोज आप कमाल के करते हो। सो यस, तो आपके स्टेज शोज काफी कमाल के होते हैं। सो इन दिस डे एंड एज जब जो लोग जाके उनका मोस्टली ये जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्टिल रिमेन यू नो एक ट्रू पैकेज, एक ओरिजिनल? यू नो एटलीस्ट आई कांट टॉक अबाउट अदर पीपल, बट एटलीस्ट फॉर मी आई जस्ट ट्राई टू सिंग वेल, I really don't focus too much on the voice module. मतलब वो एक जैसे खराश तरह से आजकल गाने का एक ट्रेंड है, मैं उस पर ज्यादा करता ही नहीं हूँ। थोड़ा बहुत कभी कोई गाना गाया उसमें कुछ लगा कि हाँ यहाँ ऐसा कर सकते हैं तो कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है मैं जिस तरह गाता हूँ मुझे अगर अच्छा लगे कि हाँ ये अच्छे से मैंने गाया हुआ है तो ठीक है, कोई किसी और का वो एक ट्रेंडिंग तरीका जो है, अनलेस मुझे कोई बोले कि भाई तुम्हें ऐसे गाना है तो मैं गा दूंगा, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स हार्ड यार, यू शुड जस्ट डू, इफ यू अगर आपने सिंगर बनना है तो फिर आप एज लॉन्ग एज मेहनत करें और ऐसे गाएं कि आपको अच्छा लगे दूसरों को अच्छा लगे तो ठीक है। मतलब इस तरह से गाना है, इस चीज का कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, एटलीस्ट मैं तो नहीं लेता हूँ। तो और बाकी बीइंग अ पैकेज, I think I like to dance. I honestly really like dancing. I love doing gymnastics also. I like dancing more. But it's not hard. It's just I do it because it will be beneficial for me to be in this industry now. Because visual बहुत है, खाली singing का तो होता नहीं है. तो बस. आपका next गाना जो आने वाला है, because unfortunately lockdown के समय सब कुछ lock हो चुका है. Unfortunately, but लेकिन उसके बारे में कुछ बताइए कि what can our listeners look forward to you in your next song? The next song is a very cute song, yaar, and I love the video. I think it's
probably I have one song that has come out yet, but this one is, I find it very, very cute. Any, whoever will see it will find it very sweet. And it's a romantic song. I'm not dancing and I'm not doing as many flips and stuff like that as I did in the first one. But bahut sweet gana hai. I think sabko bahut acha laga. Aur genuinely, I mean, aise I think jo chemistry hai na, meri aur mere saath jo kaam kar rahe hain, bahut hi sweet hai. To mujhe lagta hai logon ko bahut acha lagega. Is it possible कि आप हमारे listeners, हमारे viewers को एक teaser दे सकते हो गाने का? If it's possible. I don't know if I can, to be honest with you. I won't, but I'd rather not, because No, that's fine. That's why I asked you if it's possible, because yeah. I know there are contracts, there are technical, legal issues. I just don't like saying no, but I don't think I can. No, that's completely fine. That's completely fine. सर रिसेंटली आप इंडियन आइडल में गए थे, राहुल भी वहां पे था, एक स्पर ऑफ द मोमेंट उनको बुलाया गया था टू परफॉर्म, एंड इट वाज अ लवली मोमेंट, ओके, दैट इंडियन आइडल मोमेंट. ए आई थिंक सो यू वर कॉट अनअवेयर्स, राहुल राइट, आपने मतलब कुछ प्लान नहीं किया गया था अचानक? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं प्लान किया था. मुझे लगा था, देखो यार, मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे जब हम लोग गए थे वहां पे, तब ललित अंकल थे और उनके बच्चे भी थे, और वो मेरे से बहुत ज्यादा तैयार थे ना, कपड़े जैसे मैं पढ़ा, तो मुझे लगा था कि ये लोग, रोहान शायद परफॉर्म करने वाला है इसलिए इतना तैयार हुआ है. तो फिर मेरे दिमाग में था कि हाँ, शायद अगर वो करेगा तो मुझे भी तो करना ही पड़ेगा. तो मैंने सोच के रखा था कि हाँ, नेहा मैम अगर होंगी मैं उनको स्टेज पे बुला लूंगा, और ऐसे मेरे दिमाग में तो था, पर हम लोग जब गए थे तब तो कोई प्रिपरेशन थी नहीं. तो फिर व्हेन दैट मोमेंट हैपेंड कि आपने परफॉर्म किया एंड दैट एंटायर यूफोरिया वाज क्रिएटेड, व्हाट वाज टेक अस टू दैट, व्हाट वाज दैट परफॉर्मेंस, एंड देन बी थोड़ा सर वी वुड आल्सो लाइक टू नो योर रियूनियन. यू हैड अ रियूनियन आफ्टर मेनी इयर्स विद ललित जी, ओके, ऑन दैट प्लेटफॉर्म. जस्ट टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट रियूनियन, बिकॉज वी आर मिसिंग दैट. देखिए, ऐसा था कि इंडियन आइडल वाले उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, फिर ललित को किया, दोनों को पूछा कि आप लोग साथ में आ जाएंगे क्या, तो वो भी आ गया, मैं भी आ गया, और वी हैड दिस एपिसोड नाइसली डन. तो वो उसका एपिसोड का जो टीआरपी था बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लगा कि दोनों भाई वापस आ गए. फिर ललित ने एक शो किया, तो पहले तो वो शो अकेला ही कर रहा था, फिर मैंने उनको घर पे डिनर विनर पे बुलाया, और अच्छे से एमिकेबली बात बात करके मैंने भी ज्वाइन कर लिया, और उन लोग ने भी अच्छे से हैंडल कर दिया. तो वो शो हो गया. उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि हम लोग एक रियलिटी शो भी हमने फाइनलाइज किया. उसके बाद तो ये अपना दुविधा की घड़ी आ गई, इसलिए अभी सारा कुछ स्टैंड स्टील पे है. तो अभी ऐसा है, देखिए, दोनों में ऐसा है कि एक तालमेल तो हुआ है, एंड लेट अस वेट एंड वॉच. अगर कुछ अच्छा होता है, गॉड विलिंगली, तो अच्छी बात. फिंगर्स क्रॉस्ड की वजह से. हाँ, ओके, फिंगर्स क्रॉस्ड. राहुल, बिफोर वी वाइंड दिस अप, आई नो यू सर, योर फैमिली, यू ऑल, आप लोग ट्रैवल करते हो, आप लोग साथ में फैमिली ट्रिप्स लेते हो, आप लोग वेकेशन करते हो. सो हमारे जो रीडर्स है, व्यूअर्स है, वी हैव गॉट अ स्मॉल रैपिड फायर फ्रॉम देम, व्हिच इज अ ट्रैवल बेस्ड रैपिड फायर, एंड दे वांट यू ऑल टू, यू नो, जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, एंड क्विकली यू ऑल हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस. ठीक है, तो मैं, आई एम गिविंग ऑल दोस क्वेश्चंस, एंड जस्ट क्विकली गिव अस योर आंसर्स ऑन दैट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन, आप लोग दोनों जवाब दीजिए सर, व्हाट हैज बीन योर फेवरेट प्लेस टू ट्रैवल? Any memories you would like to share of that place? Yeah, I like to travel. I like LA very much. I love it. You too, Raul? I have fun. I'll be honest with you. I think LA, I would say LA. It really is a very nice place. I think, matlab, it's bahut achha hai wahan. There are certain things, you know, similar to climate-wise, it is not very cold. And you know, there are certain things that it has a very big film industry, so you get all those vibration. Huh. True. Okay, second one,
क्या प्रेफर करते हैं आप लोग, सोलो ट्रैवलिंग कि ट्रैवलिंग विद अ पार्टनर और अ फैमिली? I think traveling with family for me is कोई होता है बात बात करने को नहीं यार, solo is very boring. I have gone sometimes, you know, but it's क्या, एक तो flight is very long. Yes. If you're traveling to LA, it takes you around 18 to 20 hours, or maybe 22 True. Hours at times. Yes. But I'm okay with both. I mean, yeah, but I like to travel with my wife. You can talk, you know, things. तो कई बार क्या होता है ना कि ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा नोक झोक भी होती है ना, तो उससे भी टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है. वो तो है. That is that वो एक या थोड़ी उससे moments भी बन जाते हैं. That is true. Sir, according to you all, सबसे romantic destination कौन सी? Oh wow, that's a good answer. See. That around 2 to 3 years or maybe more, I think more, five years I had gone to Alaska in the cruise with all my kids and my wife, and we are all had gone. And I think that was, Alaska is one of the most romantic place because it is very, very less populated and infrastructure is reasonably very good, not compared to the main America. There is more of forest and, you know, it is more of towards nature right now. But it is an amazing place during the time of summer, not winter. Winter probably must be very, very cold. Yeah. And the cruise was also very, very nice. It was a 7-day cruise. We went from all the way from Vancouver to Anchorage and all those places in Alaska, and I think that was the wonderful holiday I ever got in my life, and it was very romantic in fact. Actually, मैं चीज़ बोलता हूँ, ऐसे किसी के लिए भी जिसकी अभी शादी हुई है या वो कोई क्रूज या वो कोई हनीमून प्लान कर रहा हो, मेरे हिसाब से ना सबसे अच्छी चीज क्या रहती है, अगर आप क्रूज पे चले जाते हैं ना, सबसे अच्छा क्या हो जाता है कि आप बहुत जगहें एक साथ देखने को मिल जाती है, जैसे कोई यूरोप का क्रूज कर लिया, और क्या बैग वगैरह भी हिलाना नहीं पड़ता, एक ही जगह पे कमरा आपका आपके साथ ही चलता रहता है, तो कुछ ट्रैवलिंग का भी इश्यू नहीं होता, बैग निकालना लेके जाना नई जगह पे रखना ये वो. और दूसरी चीज क्या है, खाना पीना भी बहुत अच्छा रहता है, जिम भी रहता है, स्विमिंग पूल भी रहता है, खिड़की के बाहर देखो लोकेशन भी अच्छा, तो क्रूज बहुत अच्छी चीज है ये लड़कों को, ऐसा मेरी मॉम बोलती है. एक बात और होती है क्रूज में, क्रूज में क्या होता है, मोबाइल इज नॉट एक्टिवेटेड, तो क्या होता है आपको फिर क्या है, कोई झंझट नहीं है, ये कुछ भरना है, बिल भरना है या कुछ, वो सारी चीजें कटी हो जाती है, एवरीबॉडी नोज दैट ये नहीं है तो बात भी नहीं होती. तो आई थिंक मोबाइल इज इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेस गिवर प्रोडक्ट आल्सो, या बड़ा झंझट होता है, पॉइंट्स देयर नेगेटिव पॉइंट्स भी है. या चलिए नेक्स्ट सवाल, सबसे क्वर्की थिंग, सबसे अलग थिंग आप लोग ने क्या किया वेकेशन पर? सबसे क्वर्की, आई मीन आई डोंट थिंक मैंने कभी कुछ एकदम ही आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कर, हम लोग एक बार जापान गए हुए थे और मैं ऑनेस्ट, वो बड़ा अनयूजुअल था, हम कभी हमारे घर में देखो ऑनेस्टली हम दुबई ज्यादा जाते हैं और एलए ज्यादा जाते हैं, इतना हम ऐसे बहुत टाइम बाद आई थिंक एशिया में कहीं गए हुए थे, और ऑनेस्टली मैं I don't know, मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं, ऐसा पहली बार मैं जब जापान गया था ना, मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक है और मेरे को जापानीज लोग बहुत बहुत इज्जत है, क्योंकि वो लोग का एक वो जेन्युइनली एक ही एशियन कंट्री है जो सही मायनों में यूरोप के साथ टकराई थी हमेशा से ही. तो हम लोग वहां गए हुए थे तो मैं एकदम खुश था और मैं बोल रहा था कि मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं यही सेटल हो जाऊंगा ये वो. और फिर हम लोग वापस एले गए, मतलब वायर फ्लाइट था इंडिया से जापान, फिर वहां से एले. मैं जब वहां पहुंचा ना, मौसम इतना अच्छा, सड़कें खुली खुली, तो मैं मेरे को अचानक लगा कि हाँ ये जगह बेटर है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एले हम मुझे सबसे अच्छा लगता है. पर खैर वही ऐसे आई डोंट नो वो क्वर्की चीज है, पर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हमारे लिए यही था, हम लोग बीच में जापान गए थे, बस थोड़ा अलग हुआ था. ओके, अभी आप लोग घूमते हो तो कई जगह के डिफरेंट चाय कॉफी तो आप लोग ने पिया होगा,
सो अकॉर्डिंग टू योर सबसे अच्छी चाय कॉफी कहाँ पे मिलती है? मैं चाय कॉफी पीता ही नहीं मुझे मैं देखो आपको सच बता दूं, मुझे सबसे अच्छी चाय ना ईरानी चाय लगती है हमारे यहाँ पे ईरानी। जब मैं जब पढ़ता था मैं तो वहां हमारे स्कूल के सामने एक ईरानी रेस्टोरेंट थी, तो वहां मैं क्या करता था कि वो बन पाव और अंडा और ईरानी चाय, मुझे वो टेस्ट आज तक मेरी वाइफ बेचारी कभी कभार मेरे लिए बना के दे देती है, लेकिन फिर भी वो जो टेस्ट था ईरानी होटल का वो मेरे जुबान में वो ईरानी होटल में ही मिलता है जाके। बेस्ट फीलिंग, आई रिलेट टू दैट सर, मैं कंप्लीट रिलेट करता हूँ एज अ बॉम्बे बॉय, बेस्ट बेस्ट फीलिंग दैट इज। ओके नेक्स्ट वन, फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी फ्रॉम अ वेकेशन। चाइल्डहुड मेमोरी, आई डोंट नो इफ दिस इज माय फेवरेट, पर मेरे को याद है हम जब मैं बहुत छोटा था और हम लोग दुबई बहुत जाते थे, तो मैं मेरे को प्रैम में बिठा के घुमाते रहते, मेरे को बड़ा मजा आता था सब मॉल वॉल में, क्योंकि ना ही मैं प्रैम में ही बैठा हूँ, कुछ ना ही चलना पड़ रहा है, पीछे से मम्मी पापा धक्का भी दे रहे हैं और मैं सब देख रहा हूँ, तो मेरे को वो याद है, मुझे मजा आता था उसमें। आपका सर, आपका चाइल्डहुड मेमोरी सर? मेरा ऐसा था कि एक आरडी बर्मन का गाना था, रोना कभी नहीं रोना चाहे टूट जाए कोई खिलौना, उसमें जो बच्चों का पार्ट था ला 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 ला, तो ऐसा था कि दो तीन और बच्चे थे और मैं पीछे बैठा था, तो आरडी बर्मन ने मुझे बोला तुम भी गाओ, तो मैंने गाया, बोले इसको भी ले लो, तो मुझे इतना अच्छा लगा था क्योंकि क्योंकि एक तो क्या है कि आरडी बर्मन का तो मैं बचपन से ही फैन था, प्लस उन्होंने मुझे सिलेक्ट भी कर लिया, और वो दिन मुझे आज तक याद है कि वो एक मेरे लिए इतनी बड़ी मेमोरी बन गई, और वो गाना भी इतना अच्छा बनाया था उन्होंने, कंपोज किया था, फिर वही चीज उनको देख देख के ना कि वो कैसे काम करते थे, कैसे हैंडल करते थे ऑर्केस्ट्रा, कैसे सिंगर को हैंडल करते थे, कैसे बैलेंसिंग करते थे, वो सारी चीजें, फिर उसके बाद बरसों मैंने घर पे ऐसे ही मैं रिकॉर्ड करता था गाने, ये मेरा बचपन में शौक था कि हमारे पास एक स्कूल रिकॉर्डर होता था अकाई का, तो उसमें दो चार म्यूजिशियन को मिला बुला के गाना कंपोज करके उसको खुद ही फर्जी बोल में लिख के और उस अरेंजमेंट वगैरह करके मैं घर पे गाना रात को सारी रात गाना रिकॉर्ड करता था, ये मेरा आप ये समझो मैं ये 18 साल की उम्र से मैंने शुरू किया था, और जब तक मुझे काम प्रैक्टिकली नहीं मिला था बड़े लेवल पे मैं ये करता था, और ये आरडी बर्मन साहब की देन है। सर बिफोर वी वाइंड दिस अप सर एंड राहुल, वन थिंग वी नीड टू आस्क यू इज बिसाइड्स आपका जो गाना आने वाला है, what is anything else working in the pipeline, anything else is how difficult, or let me just say how difficult or how easy both it has been, because you have the Jatin ji's legacy, so how easy it has been and also how difficult it has been to make your mark in the industry? You know, it's easy in the sense because my dad has been around in this business for a while, so I do have access to people. But beyond, I mean, if I want to meet somebody, I probably can meet them through him. But beyond that, it's really, that's the end of it. It's not like somebody's really just going to be like, haan, theek hai, isko iske liye kar do, kyunki Jatinji ka beta, aisa kuch hai.